अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं जमील अहमद और आप देख रहे हैं वन ऑटो ऑल राउंडर। दोस्तों आज मेरे पास एक होंडा सी जी 125 आया, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियो बना के अपलोड करूं कि पिछले जो इसके ब्रेक शू होते हैं, ब्रेक शू चेंज करने का क्या तरीकाकार होता है। दोस्तों 5 मिनट की इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, 5 मिनट के अंदर आप खुद अपने बाइक के ब्रेक शू चेंज कर लेंगे, इतना मुझे यकीन है अगर आपने मेरी ये वीडियो पूरी देख ली। तो दोस्तों वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करते करते जाइएगा, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको धीरे तरह की अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं मोटरसाइकिल की तरफ। अच्छा तो दोस्तों ये हमारे पास मोटरसाइकिल होंडा CD70 है, ठीक है, होंडा CG125 है माजरत। तो दोस्तों इसको आपने ब्रेक शू किस तरीके से चेंज करने हैं, साथ साथ आपको पहले मैं थोड़ा सा समझा दूँ, तो बल्कि साथ साथ आपको समझा देता हूँ, साथ साथ मैं आपको बता भी देता हूँ, साथ साथ मैं इसको काम भी करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसका ये जो ब्रेक वाला राड होता है ये आपने खोलना है, ब्रेक को ऐसे आगे की तरफ दबाना है ऐसे करके, और इस नट को आपने खोलना ही नहीं, चीज़ आपको नट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस नट को आपने खोल दिया, ब्रेक वाला जो होता है ये हमारा खुल गया जी, ठीक है। और लीवर को आपने सिर्फ पीछे खींचना है, पीछे खींच के ब्रेक को हल्का सा आगे से प्रेस करना है, देखें जिस तरीके से भी मैं करने लगाऊँ, इस तरीके से ब्रेक को आपने हल्का सा प्रेस करना है, ये राड आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखें भी राड हमारा नीचे गिर गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक वाला खुल गया। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि इसकी जो ऊपर पहला स्टेप हमारा ये होता है, ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा होता है ये जो इसके ऊपर ये पट्टी वाला काबला होता है ना, ये पट्टी लगी हुई, ये एक बोर्ड लगा हुआ है 12 नंबर का, ये आपने खोलना है। ये खोलने से पहले दोस्तों आपने इसके ऊपर ये छोटा सा एक लाग लगा होता है, ये वाला ये लाग आपने उतार देना है, ठीक है। ये लाग हमारा उतर गया जी, इस तरह इसको सीधा करना है, पहले आपने सीधा करके तो प्लास की मदद से आपने इसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। ये लाग हमारा बाहर निकल गया। इसके बाद दोस्तों आपने 12 का पाना लेना है, 12 के पाने के साथ आपने ये वाला पट्टी वाला बोल्ट खोल देना है, ठीक है। नट होता है 12 नंबर का, ये खुल गया जी। टोटली इंशाल्लाह 5 मिनट में इसके लेदर चेंज हो जाएंगे, पट्टी आपने लाग इस तरफ खींच के बाहर निकाल देनी है। अब दोस्तों अब आपने सबसे आखिर में ये वाला इसका जो 22 नंबर की इसकी चाबी लगती है, रिंग चाबी से आपने ये वाला नट खोलना है, इसका मेन एक्सल वाला, ठीक है। ये हमारा खुल गया जी। तो अगर यहाँ से अगर आप खोलते हैं तो अगर ये एक्सल घूमता है तो आपने दूसरी तरफ 17 का पाना लगा देना है, मैंने दूसरी तरफ 17 का पाना लगाया हुआ है। ये आपने नट खोल के इस एक्सल को हल्का सा यहाँ से बाहर धकेलना है, ठीक है। और ये इतना आपने दोस्तों बाहर धकेलना है यहाँ से कि हमारा ये हाली ब्रेक शू की प्लेट तक एक्सल जाए, हमने पूरा व्हील इसका नहीं खोलना, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसका ये चिड़ी उतार देनी है, ये वाली चिड़ी उतार के तो ये जो इसका एक्सल होता है इसको एक्सल को आपने धकेलना है इस तरह पीछे की तरफ बाहर की तरफ, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ से धकेल के आपने इस तरफ से आ जाना है, इस तरफ आ गया आपने एक्सल को आधा बाहर निकालना है, ठीक है, सारा बाहर निकालना, देखिए इतना कुछ बाहर निकालना है आपने, ये बस इतना कुछ बहुत है, ठीक है। इतना कुछ बाहर निकाल के फिर आपने इस तरफ आ जाना है, साथ साथ आपने जगह भी चेंज करनी है आपने, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ आपने भी करनी है। तो ये आपने गोड़ बाहर निकालनी है, ये गोड़ बाहर रख देनी है आपने, और ये इसी तरीके से ब्रेक्यू की प्लेट आपने इस तरह करनी है, और साइकिल थोड़ा सा टेढ़ा करके ब्रेक्यू की प्लेट आपने इस तरीके से बाहर निकाल देनी है, ठीक है। तो ये हमारी ब्रेक्यू की प्लेट बाहर निकल गई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। अब दोस्तों ब्रेक शू की प्लेट बाहर निकाल के ना, तो आपने जब फिटिंग आप करेंगे, फिटिंग के दौरान आपने ये क्या करना है कि इसकी जो ये हब होता है, हब अंदर से आपने रेगमार करना है, रेगमार लगा रहे ताकि जो इसके ऊपर ये गन वगैरह लगा हुआ है ये सारा हमारा गन खत्म हो जाए। इस गन की वजह से हमारी जो ब्रेक की ग्रिप होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। ये आपने लाजमी काम करना है, मैं बाद में करूँगा, पहले इसकी लेदर चेंज कर दूँ। लेदर चेंज कर किस तरीके से करते हैं ये भी आप देख लें इसी वीडियो में, ताकि फिर आपको कोई मसला परेशानी ना हो, ये ना आप लेदर खोल लें और आपसे चेंज ना हो। अच्छा ये अब इसके लेदर हैं, ये आपने उतारने किस तरीके से हैं ये देखें, यहाँ से आपने पकड़ने पकड़ के इसको खींचे ऐसे करके आपने लेदर बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये लेदर हमारे निकल गए। अब ये दोस्तों रोड के ऊपर बिल्कुल ग्रिप नहीं कर रहे थे, ये बिल्कुल हार्ड हुए हुए हैं जिसकी वजह से, और ब्रेक बिल्कुल ही नहीं इसकी लग रही थी, ठीक है। तो इसी वजह से मैं इसके ये लेदर चेंज कर रहा हूँ। तो ये तो हमारा काम हो गया, लेदर हमने निकाल दिए, इसको थोड़ा कपड़ा छपड़ा मार देते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा दोस्तों इसको मैंने साफ़ कर दिया है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आप ये इसकी प्लेट बाहर खोल देते हैं, इसको यहाँ पे लाजमी आयल क्या करें, बेशक साफ़ आयल दें, बेशक आपका जो आयल है यहाँ पे आपने लाजमी देना है। ये मैंने ग्रीस बना के रखा हुआ है, पतला करके रखा हुआ है, मैं वीडियोस में बताता भी रह रहा हूँ मैं किस किस जगह पे यूज़ करता हूँ। तो ये भी इसके अंदर जाएगा और ये ग्रीस वाला काम करेगा, ठीक है। तो ये मैंने ग्रीस के अंदर मैंने पेट्रोल डाला हुआ है, पेट्रोल डाल के मैंने इसको मिक्स किया अच्छे तरीके से मिक्स करके, अभी हमारा ग्रीस मतलब बहुत बारीक हुआ है, ये अपनी जगह पर जाके वहाँ पर ग्रीस बन जाता है। अगर अंदर तक चला गया, खिलाऊँगा मैं इसको अंदर तक चला गया तो ये अंदर ग्रीस ही बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी लीवर को लाजमी ग्रीस करना है, इस तरफ से भी करना है और इस तरफ भी डालनी है आपने, इससे यह कि आपकी जो ब्रेक बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारी ग्रीस हो चुकी है, अभी हमने इसके लेदर चेंज करने हैं, यहाँ से थोड़ा सा मैं कपड़ा चपड़ा मार रहा ताकि इसके ऊपर ये दोबारा लेदर के अंदर ही ना चला जाए ना ये गन सारा ग्रीस रख लीजिए। अब दोस्तों आपने लीवर को इस तरीके से आपने रखना है, ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ पर आपने रखना है। अब आपने लेदर इसके नए लगाने हैं, वो किस तरीके से लगाते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास लेदर हैं,
इससे पहले स्प्रिंग हम लगाते हैं, ये मैं माइक्रो के लेदर यूज़ कर रहा हूँ। माइक्रो के जो होते हैं थोड़े अच्छे होते हैं, ठीक है, जेनवन नहीं होते, जेनवन की तरह काम नहीं करते बारह, लेकिन इनका रिजल्ट अच्छा होता है। मैं इस वजह से ये वाले यूज़ कर रहा हूँ। डब्बी से मैंने पहले ही निकाल दी, मैंने नहीं निकाली, जिस बंदे ने जो बंदा डलवा रहा है उसे निकाले हैं। तो ये आप स्प्रिंग इस तरीके से लगाने हैं दोनों तरफ, ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग लग गए जी। तो दोस्तों ये आपने इसके दो साइडें होती हैं, एक ये बिल्कुल सीधी साइड होती है, एक ये हमारी गोल साइड होती है, ठीक है। जो गोल साइड होती है हमारी इस तरफ लगेगी, जो सीधी साइड होगी हमारी इस तरफ लगेगी। आपने इस तरीके से ब्रेक्यू पकड़ लेने हैं, पकड़ के आपने इनको ऐसे वी बना देना है, ठीक है, ऐसे करके वी बना के आपने इसके ऊपर यहाँ पे रखना है, यहाँ से इसके ऊपर रखना है, इस तरीके से रख के आपने इसको सीधा करना है। सीधा करके तो ऐसे आपने इसको ऊपर से दबा देना है, ये आपके ब्रेक्यू भी इसके ऊपर लग गए हैं, ठीक है। अब ब्रेक हमारे ब्रेक सही काम कर रही है, अब हमने इसको फिट करना है। तो दोस्तों फिट करने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया कि इसकी आपने यहाँ पे हाफ के अंदर ना अच्छे तरीके से रेगमार लगाना है यहाँ पे, ताकि इसके अंदर जो फ्लक्स वगैरह होती है, जो गंद वगैरह होता है, वो सारा हमारा साफ़ हो जाए, ताकि हमारे ब्रेक्यू की लाइफ ज़्यादा हो जाए। और ये अगर फ्लक्स हो तो आपके जो मोटरसाइकिल होता है ये शोर भी करता है, ब्रेक दबाने पर चूँ चूँकि आवाज़ भी करता है। तो अभी इसकी मैं इसको रेगमार लगा देता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह का दोस्तों आपने रेगमार ले लेना है, रेगमार ले के तो आपने ऐसे घुमा घुमा के इसको सही ज़ोर से, मतलब है कि आपने दबा के मारना है, ठीक है, ताकि इसके ऊपर जो कार्बन शार्बन लगी है वो सारी निकल जाए। ठीक है जी, कार्बन अभी हमने साफ़ कर दिया, अभी मैं इसके अंदर एयर लगा देता हूँ, हवा मार दूँ। अगर आपके सवाल नहीं है तो आपने इसको वो करना है, दूसरा क्या बोलते हैं जी, कपड़ा लगा देना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मैंने एयर वगैरह लगा दी है, अब हमने ब्रेक्यू फिट करने हैं। ब्रेक्यू फिटिंग का तरीका कार देख लें, अब व्हील के अंदर हमने व्हील को फिट करना है, ठीक है, बंद करना है। तो इस तरीके से आपने ब्रेक्यू पकड़ने हैं, ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा करके ना हल्का सा बाइक ये आपने इस तरीके से लगा देना है। ये लग गया, अब यहाँ पर हम इसके यहाँ पर रखेंगे इसकी गोट, जो गोल गोट हमने निकाली थी ये वाली, ये गोट हम यहाँ पर रखेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, एक गोट रखी और दूसरी तरफ से हमने एक्सल को दबाना है, तो एक्सल हमारा यहाँ पे चिमटे में आके फिट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक्सल आ गया, सामने आपको नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है, ये एक्सल हमारा लग गया। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम है, सबसे पहले हमने यहाँ पे पट्टी का बोर्ड लगाना है, पट्टी का बोर्ड लगा पट्टी है, ये जो पट्टी पट्टी है, ये जो काबला होता है ना, ये जगह यहाँ पे पट्टी रखनी है ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद ये हमारी रबड़ एक लगी होती है, यहाँ से आपको नज़र आएगा, ये देखें इसके आगे हमारी एक ये रबड़ लगी होती है, ये वाली, ये देखें ये रबड़ लगी, ये रबड़ आपने लाजमी लगानी है, ठीक है, ये रबड़ लगी होती है, ये रबड़ लगा के अब इसके आगे हमने नट लगाना है इसका, ये वाला 12 नंबर का, ठीक है, ये नट हमारा लग गया जी। अब इसको हमने पहले नट को टाइट करना है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, जब आप काम करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से जल्दी हो जाएगा। अब दोस्तों हमने यहाँ पर इसकी चिड़ी लगानी है, ये वाली, ठीक है, चिड़ी लगा के अब दोस्तों हमने इसकी पहले ब्रेक तार लगानी है, ठीक है। इस तरीके से आपने ब्रेक को दबाना, थोड़ा सा पहले यहाँ पे छोटी गोट लगाते हैं, तो ये छोटी गोट हमने लगानी है पहले यहाँ पे, ये हमारी गोट लग गई है जी। अब हमने तार को ऊपर करना है, ठीक है, तार अभी देखिए तार हमारी पहुँच रही नहीं है यहाँ पर, अगर आपको नज़र आए तो ये तार हमारी अभी, मतलब है कि हम ब्रेक दबाएँगे, थोड़ी सी ब्रेक को दबाएँगे फिर हमारी तार इसके अंदर जाएगी। ये ब्रेक दबानी है आपने ऐसे करके और ऐसे तार आपने इसके अंदर लगा देनी है, ठीक है, ये हमारी तार लग गई है तार। तो इस तरह मैंने पेचकस दिया, इसको पेचकस दे के आपने इस तरह आगे कर लेना है, इसको आगे करके इसका जो पीछे वाला नट होता है तार का, या आपने इसका नट वापस लगा देना है, ठीक है। तो ये वापस लग गया, अब दोस्तों हमने इसका ब्रेक दबानी है, मैं आपको बताता हूँ नट टाइट करके। तो अब इसके हमने ब्रेक पहले व्हील को घुमाना है, हमने थोड़ा सा व्हील को घुमा के इसकी ब्रेक दबा के फिर हमने इसका एक्सल वाला नट टाइट करना है, ठीक है। और व्हील का आपने सेंटर चेक कर देना कि दोनों चिड़ियों का सेंटर बराबर है कि नहीं बराबर, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रेक, ये काम हो गया। अब दोस्तों हमने इसकी ब्रेक दबानी है, पहले नट हल्का सा लगा देते हैं, नट लगा के ना ब्रेक दबा के फिर हमने इसको एक्सल नट को अच्छे तरीके से टाइट करना है। इतनी देर में हमारे ब्रेक शू लग जाते हैं, अभी मैं इसका नट टाइट करूँगा ब्रेक दबा के। बच्चे इसकी तरह ब्रेक दबाओ, ऐसे आपने व्हील को घुमाना है, व्हील को घुमा के ब्रेक दबानी है, ब्रेक दबा दिया, अब ब्रेक दबी रहने दें, फिर आपने इसका ये नट टाइट करना है, ये वाला एक्सल वाला, ठीक है। तो अभी मैं 17 के पानी के साथ इधर से कर रहा हूँ, तो फिर बाद में यहाँ से इसको फुल जोर से टाइट करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने लगा दी चाबी, यार ब्रेक छोड़नी नहीं है, छोड़ो ज़रा छोड़ो, अभी दबा के रखो ब्रेक को, दबा के रखो, ठीक है दोस्तों। तो उस तरह से मैंने टाइट कर दिया है, अब मैं इसको सही अच्छे तरीके से यहाँ से टाइट करूँगा जितना ज़ोर होता है, ठीक है, ये काम हो गया। अब दोस्तों सिर्फ ब्रेक छोड़ दो, अब दोस्तों सिर्फ इसका यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लाग लगाना है, जो पट्टी का मैंने स्टार्टिंग में खोला था,
ठीक है, लाग लगा के। तो बाकी है कि दोस्तों जब जैसे ही आप व्हील खोलते हैं बाइक का, अपने अपने बाइक का व्हील खोलते हैं, तो ये चिड़ियों वाले लाजमी, ये वाला नट और ये दूसरी तरफ वाला, ये दोनों आपने लाजमी टाइट करने। देखें ये भी इसका लूज़ है, यहाँ से देखें ये भी लूज़ है और इधर से ये वाला भी लूज़ है, ये भी लूज़ था अभी मिनट, ये देखें ये भी लूज़ है। तो दोनों 10 की टी के साथ आपने अच्छे तरीके से टाइट करने हैं, तो ये आपके ब्रेक शू वगैरह अपनी जगह पर फिट हो जाएंगे। तो अभी मैं जल्दी से टाइट कर रहा हूँ दोनों, ठीक है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से टाइट कर देना ताकि दोबारा खुले ना। ये हो गया टाइट, अभी इधर वाला टाइट करते हैं। ये ठीक है, अभी हमारा बिल्कुल व्हील ज़बरदस्त हो गया, ब्रेक दबाओ बच्चे, छोड़ो अब दबाओ, ठीक है, व्हील हमारा जाम भी नहीं है और ब्रेक भी सही काम कर रही है। अभी मैं इसका राउंड लगा के चेक करूंगा और इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा इस वीडियो में कि ब्रेक शू होंडा CG125 का किस तरीके से तब्दील किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करते करते जाएँ, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।